ओ मा बाकर गोरु दूध की पीणो चापे की बखत आए यार यशो चाद है तो और गोल चापा बढ़िया कभी पियाऊना हे सरा की बजर पर हड़ चा चा इन दोनों का प्रेम प्रसंग ऐसा चल रहा है ऐसा। सो गाइज काम की लेटेस्ट अपडेट ये है कि देखो आप ढांचा बन के तैयार है, ये बाथरूम है अपना, ये टॉयलेट है, ठीक है, और अभी इसमें प्लास्तर होना बाकी है और नीचे फर्श डालना बाकी है, तो इसलिए यहाँ पे रोड़े मोड़े बिछाए जा रहे हैं, इसके ऊपर फर्श डाला जाएगा और सीट बिछाई जाएगी। और गाइज कुछ रोड़ियाँ कम पड़ गई थी तो इसलिए हमने त्वरित रूप से सुमित को यहाँ पे एक्शन में लिया है और सुमित यहाँ पे रोड़ी फोड़ रहा है दोस्तों, और पत्थर मैंने इकट्ठे कर रखे हैं ये उधर गदेरे से लाके, ठीक है। और ये हैं हमारे सबसे बड़े बड़बाजू। बड़बाजू नमस्कार, ठीक ठाक होने वाले। ये देखिए दोस्तों विनोद जी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग बोल दी विनोद जी। विनोद जी गुड मॉर्निंग, हमारे दर्शकों को बोल दो। ये भी सुमित की तरह शर्म आ रहा है। बुढ़वाजू तुम्हारा उमा का दो है गेहूं नेल बयान अब्बे लागन ना दिया बुढ़वाजू बयान अब्बे बयान रुपए पूरी हो गया अभी तिरानवे लागल तो बनवा मेंटेन कर रहा है बुढ़वाजू ने खुद 5-5 5-5 बड़े बड़े बयान अब्बे 94 हो गया। हाँ 83 साल मणि हमारा बड़बाजू मरान गया बापरे भगवान की कृपा गाल चली रहे बड़बाजू। एक सयान कुंड में तुम ही रह रहा हमारा गाँव में। विनोद जी यहाँ पे अभी आमा का कार्यभार संभाला हुआ है, सुपरविजन कर रहे हैं यहाँ पे सुमित का कि अच्छे से रोड़ी तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। बिनो कदू मंदिर रखो बिनो ठाक ठाक एक दिरा में 500 500 में 500 में कदू कट्टे ना 500 में लगा 100 रुपया कट्टे 5 कट्टे 5 कट्टे तो 5 कट्टे का ठेका विनोद जी ने दे रखा है। विनोद जी काफी मस्त मौला किस्म के इंसान है, हरफन मौला खिलाड़ी है हमारे घाटी के, बचपन में इनको इरफान पठान के नाम से भी हम जानते थे। आज भी जब भी हमारे गांव में या आसपास के गांव में टूर्नामेंट होता है तो विनोद जी का नाम बिल्कुल ससम्मान पूर्वक लिया जाता है, बहुत मिस किया जाता है इनको। तो आज ये घर में आए हैं, हमारा सौभाग्य है, बट बदकिस्मती से कोरोना चल रहा है तो टूर्नामेंट कहीं है नहीं, है ना। कसो रचा राम ने गुइया राम ने विनोद बहुत स्मार्ट हैं दोस्तों, तो इनको बहुत नज़र भी लगती है दोस्तों। बचपन से ये डैनी जाते थे, जब इनको कोई नज़र लगाता था बहुत रोने लगते थे, माँ साओ इनका करना पड़ता था। उसके बाद हमने एक टोटका करा, इनके दाएं पांव में आप देखिए आप काला धागा बंधा हुआ है दोस्तों, जो इनको नज़र रक्षा कवच है ये। तो विनोद जी इससे कुछ फर्क हो रहा है? बहुत ज़्यादा बहुत फर्क हो रहा है। मतलब कोई तबीयत पहले कैसी हो जाती थी जब कोई आप पे नज़र लगा? पहले मेरे पैर में दर्द होता था। होता है चढ़क बिताव। हाँ सही है। तो दोस्तों अगर आपके पैरों में भी चढ़क बिताव होता है नजर के कारण, ये चोट भी लग जाती थी विनोद जी को, तो जब से इन्होंने काला डोरा बांधा है तब से विनोद जी थोड़ा सा ठीक है। आप ठीक है पे तबियत मणि खान है। ये है जात, ठीक है, जमात जौ के चचा का लड़का। इसकी घास होती है जो गाय बच्चियों को खिलाने के काम आती है, हरी घास, ठीक है, और ये बीज है। और इसको तुम वैसे पीस भी सकते हो, मतलब उनके लिए जैसे वो बनाना है आटा वाटा चाटा वगैरह होता है तो उसमें पीस भी सकते हो। ये देखिए आप दोस्तों मिर्ची के छोटे छोटे पौधे और उनमें बड़ी बड़ी मिर्च लगने लगी हैं। मम्मी पिरूल लेके आ रही है, एक बार का पिरूल तो आग लगा दिया लोगों ने, हमारे सोड़ने से पहले इस बार आग लग गई थी तो हम सोर ही नहीं पाए। अभी थोड़ा बहुत और झड़ा है तो फिर उसके बाद मम्मी लेके आ रही है। चीड़ की पत्तियां जब सूख जाती हैं तो उसे हम पिरूल कहते हैं, जिसमें मम्मी ला रही है उसको बोलते हैं फांच। तो गाइज मैं अभी गेहूं चूटने जा ही रहा था लेकिन मौसम फिर से गड़बड़ कर रहा है ये, तो ठीक है, तो एकदम से इमरजेंसी कॉल आया जडेजा का। जडेजा ने कहा कि गेहूं फिर चूटना सबसे पहले हमारा फटाव लगा दे, ठीक है, नहीं तो क्योंकि उन्होंने बाहर डाल रखे हैं और ताऊ जी घर पे है नहीं और विनोद जी हैं, तो आज मुझे विनोद जी के साथ फटाव लगाने का सौभाग्य प्राप्त तो होगा। काफ़ी अच्छे फटाव मास्टर हैं वो, तो मैं उनसे ज़रा टिप्स भी ले लूँगा कि एक अच्छा फट
ये लास्ट खेप है जेडजा के राशन की, जो जेडजा बोली थी 1200 रुपए कुंटल बेचूंगी, तो इतनी भारी सेल लग गई दोस्तों, इतना सस्ता अनाज वो भी पहाड़ का कहाँ मिल रहा है। नीलामी ऐसी बिकी कि एक सेकंड में इतने इतनी जल्दी तो रेडमी के मोबाइल नहीं बिकते जितनी जल्दी ताई जी के गेहूं बिक गए। तो इतने से बचे हुए हैं दोस्तों, अगर आपको चाहिए आप ये कुंटल के हिसाब से नहीं, अब ये शुभ के हिसाब से मिलेंगे। कद्दू शुभ वाल ताई जी दो शुभ का कका जला जो वीडियो लाइक शेयर करो, हाँ जो पानी है कमेंट करो उनको, तो ठीक है फटाफट कमेंट करो किस किस को ये गेहूं चाहिए। ठीक है अब विनोद जी यहाँ पे बैठे हैं, नमस्ते विनोद जी। विनोद जी चलो लगाते हैं, मौसम देखे गाइज ये आप देख सकते हैं काले बादल आ चुके हैं, कभी भी बारिश आ सकती है कोई भरोसा नहीं है, तो गेहूं तो कभी भी छूटे जाएंगे, कल छूट लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि ये बाहर पे घाम डाल रखे थे। तो गाइज आप मेरे पीछे घड़म चड़म सुन सकते हैं और हमने लगा दिया है फटाव, अभी एक शुभ और होगा क्योंकि ये जो गेहूं इधर को गए हैं ठीक है इनको थोड़ा सा बटोर बटर के एक शुभ और बनाएगी ताई जी, बाकी जितना लग चुका है वो अभी कट्टे में डाल रही है, जंग रोधक कट्टे में डाल रही ताकि गेहूं को जंग ना लगे, क्योंकि सालों साल चलेंगे गेहूं क्योंकि ताई जी अन्नपूर्णा है, एक ही दाना डालने में एक परात पिछू ओली जाता है। और विनोद जी पूरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे घर आके। सो गाइज फाइनली मिशन कंप्लीट हो गया, फटाव लग चुका है और जड़जा का रिएक्शन लेते हैं। तो जड़जा तुम्हें ले धार लगा मैं ला गई हूँ है और तुम्हारा फटावलो टेम्पर लग गयो, शनिवार बारिश होने लगी लग गयो, हाँ 3 दिन पानी फटावलो को में मुश्किल रही है, तीन लगा दे बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ, आभार व्यक्त करो, वीडियो बढ़ाते रहो निश्चित चलो बढ़िया, मैं कहीं मानते मिलते कहीं मानते रहो, ठीक है बहुत बहुत ठीक है। अब विनोद जी से भी अंतरा रिएक्शन ले लेते हैं, यार हमारे हाँ लगा दे रहा है यार तुम, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, आंखों लगा दे यार बहुत बहुत धन्यवाद को बच्चे मिला मदद कर दो और क्यों धक्का दे रहे भैया तू डबल ना मदद करने रहे भैया घर प्यारा कर तेरा भरोसा नंटिल छोड़ रखा ना मिल प्रदेश में। तो गाइज अब मैं चलता हूँ नीचे क्योंकि नीचे भी बहुत काम निपटाना है ठीक है, और अरे आज तो मैंने कपड़े भी नहीं धोए, वो खाली मैंने बाल्टी में डाल रखे थे, खुकरना भूल गया उनको मैं, वो भी करना है ठीक है, तो कई चीजें देखनी हुई यार ठीक है, ऊपर नीचे फिर अपना ये ब्लॉक का काम भी देखना है ना, देखता हूँ। सुमित जी वहाँ पे शायद कार्यभार संभाल रहे हैं, और गाइज देख सकते हैं आपने ऊपर देखी होगी गाइज आपने ऊपर भी मम्मी बेटे की जोड़ी देखी होगी काम करते हुए, और यहाँ पर भी माँ बेटे की जोड़ी काम कर रही है, वहाँ गेहूं उचाए जा रहे थे यहाँ पे जमात उचाया जा रहा है आप देख सकते हैं, और मम्मी लगी हुई है, मम्मी कुछ कहना चाहोगे मौसम के बारे में? मौसम तो धोखा दे रहा है, हाँ मौसम तो धोखा दे रहा है। सुमित जी कुछ आप देख सकते हैं ये जो पाउडर यहाँ पे सुमित जी ने डाला हुआ है ये इस पाउडर का नाम बता दे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ताकि वो भी ले सके और ऐसी बास मार सके, सुमित जी बताइए तो सही कमेट हुए तो दोस्तों एक कमेट ब्रांड का पाउडर है, सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों हम ऐसे वैसे कट्टों का यूज नहीं करते, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सत्यापित कट्टों का ही यूज करते हैं अनाज पानी रखने के लिए। तो गाइस ये देखिए आप बारिश लग चुकी है, ये है भैया मौसम, ये देखो ठीक टाइम पे लगाया फटाओ, ये देखो तो ये है गाइज हमारे देवभूमि का मौसम, लोगों के एसी निकल रहे हैं, कूलर निकल रहे हैं, हमारे छाते निकल रहे हैं देखिए आप, और मैं छाता ओढ़ के अभी जा रहा हूँ ऊपर मालकुड, थोड़ा मेरा काम करना है, जाड़ा हो या गर्मी अपन कभी नहीं रुकता, ऑलवेज ऑन। ये देखिए गाइज चिड़िया हमारे घर में, ये मेरे को देख के डर रही है, वहां से जाने की कोशिश कर रही है ठीक है, वो जाली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, एक तो चला गया, ये देखिए आप, अरे पहाड़ी बटेर, ये देखिए आप, इनको अंदाजा नहीं आ रहा है दोस्तों कहाँ से जाए करके, ये देखो देखो जाने की कोशिश कर रहा है ये, चल चल जा उधर से जा, उधर है उधर है कमरा, उधर है उधर उधर से रास्ता, जा 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 जा, जा। अरे मैं उसको पकड़ भी सकता हूँ यार इसको, तो मेरे को लेकिन डर लग रही है, अरे जा ना भाई इधर है गेट यार, जा दे तो, हाँ शाबाश जा गुड, एक और है दोस्तों इसके साथ का, ये अभी भटका हुआ है,
इसने किसी को नहीं देखा होगा ना, ये टॉयलेट में चला गया, हगने की नहीं जाओ। ये आ गया, हक के आ गया दोस्तों ये। चल जा बेटे, जा 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 जा, साबा 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 जा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जा जा, गुड गुड, जा उधर है वहाँ उधर शैन। चल छोड़ो इसको, यहीं रहने देते हैं, जब जाना होगा चले जाएगा।